अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल खालिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम आप दोस्तों तक सिंध से तालीमी खबर लेकर ख़बरें लेकर आते हैं। दोस्तों, तालीमी खबर ये है कि PST JEST में जिन दोस्तों ने, जिन बहन भाइयों ने 30+ मार्क्स लिए थे, 33 से लेकर 39 तक भी कैंडिडेट कंपेन चला रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास न्यूज़ है वो 40+ कैंडिडेट के लिए है। 40+ कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने सखर IBA का 2021 में PST JEST का टेस्ट पास किया था, वो काइंडली अपने DO ऑफिस से रابطے में आएँ, क्योंकि उनके लिए एक लेटर निकलना शुरू हो गए हैं। इस वक्त मेरे सामने जो लेटर है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर घोटकी का है। उन्होंने सब TOs को कहा है, तालका एजुकेशन ऑफिसर हेडमास्टर्स को कहा है कि मुझे जल्द से जल्द आप जो है वो वैकेंसी पोजीशन बताएं। अगर आपके स्कूल में हेडमास्टर्स को ये कहा गया है कि वैकेंसीज खाली हैं तो मुझे जो है वो आप बताएं, ताकि PST फेज़ 4 पर काम हो सके। JEST 3rd phase पर काम शुरू होगा। पूरे सिंध में जो है वो ये प्रोसेस शुरू हो गया है। अगर आपने 2021 में IBA सखर का टेस्ट पास किया है 40+ मार्क्स से, तो काइंडली आप अपने DO साहब से रابطے में आएँ ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। 2025 तक का वेटिंग जो है वो चलेगा। और मुझे सीनियर टीचर आज कह रहे थे कि 2024 है उसको रिटायरमेंट का साल कहा जाएगा, क्योंकि जो बूढ़े टीचर हैं सीनियर वो तकरीबन इसमें सब रिटायर हो जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी इंशाल्लाह चांसेस हैं कि आप जो है वो इसमें सिलेक्ट हो जाओ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप अस वॉचिंग एंड शेयरिंग।